हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने मोबाइल स्क्रीन को अपने पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप पर देखते हैं। स्क्रीन को तो हम अपने लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर पर देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की एक खास बात क्या है कि इसे हम बिना यूएसबी केबल के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने मोबाइल को स्पाई कैम या गुप्त कैमरे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप टूर पे हैं और अपने फैमिली मेम्बर को कुछ वहाँ का सीन दिखाना चाहते हैं तो भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। और गूगल में हमें एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम ऑल कास्ट रिसीवर है। और ये ऑल कास्ट रिसीवर स्पेसिकली क्रोम के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इसे हमें इंस्टॉल करने में और कॉन्फ़िगर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए हम टाइप करते हैं ऑल कास्ट रिसीवर। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट URL जो ऑल कास्ट रिसीवर की वेबसाइट है, तो इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। ये ऑल कास्ट रिसीवर की वेबसाइट है। ठीक यहाँ पे हम एक बटन देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम। इस ऐड टू क्रोम पर हम क्लिक करते हैं और ऐड ऐप पे क्लिक करके इसे हम अपने ब्राउज़र में ऐड करते हैं। ये हमारे ब्राउज़र में ऐड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके और शॉर्टकट क्रिएट शॉर्टकट बटन पे क्लिक करते हैं जिससे कि हमारा डेस्कटॉप पे आ जाएगा। और फ्यूचर में यदि हमें इस ऐप्स को यूज़ करना है तो हमें बार बार क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक किया है और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू चेकबॉक्स को चेक कर दिया है। और उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं कि हमारा शॉर्टकट एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बन गया है। अब चाहे तो हम अपने क्रोम ब्राउज़र को बंद कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमारे मोबाइल हमारे लैपटॉप को एक्सेस कर सके इसके लिए हमें फायरवॉल में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। बट ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। किसी किसी सिस्टम में विदाउट फायरवॉल के भी ये काम करता है और किसी किसी सिस्टम में ये फायरवॉल को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे फायरवॉल को हम एक्सेस देते हैं। तो हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं, उसके बाद हम विंडो फायरवॉल पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एक एडवांस सेटअप लिंक है। इस एडवांस सेटअप लिंक पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इनबाउंड रूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ काफ़ी सारे रूल्स बने हुए हैं, हमें भी दो रूल्स इसमें ऐड करने हैं जिससे कि हमारा मोबाइल हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर हमारे मोबाइल को एक्सेस कर सके। तो इनबाउंड रूल्स पे राइट क्लिक करके न्यू रूल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम रेडियो बटन सेलेक्टेड है तो उसे हमें चेंज करना है। हमें पोर्ट पे क्लिक करना है, पोर्ट रेडियो बटन को सेलेक्ट करना है। ये हमने पोर्ट रेडियो बटन को सेलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TCP और UDP है, तो इन दोनों को हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो फर्स्ट हम TCP को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो TCP के लिए हमें एक
पोर्ट नंबर देना पड़ता है जो कि 53515 है, तो इसमें हम टाइप कर देते हैं 53515 और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फर्स्ट रेडियो बटन सेलेक्टेड है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन चेक बॉक्स हैं, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक। चूँकि हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो डोमेन और पब्लिक को अनचेक कर देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमें एक नाम देना होता है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं रेडमी, चूँकि मैं रेडमी मोबाइल यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैंने अपना मोबाइल का नाम यहाँ पे देना है। और उसके बाद फिनिश पे क्लिक करके इसे कंप्लीट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक रूल्स यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक इसी तरह एक और नया रूल्स यहाँ पे ऐड करते हैं, न्यू रूल्स पे क्लिक करते हैं, फिर से पोर्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक किया। इस समय हमें UDP रेडियो बटन पे सेलेक्ट करना है और सेम पोर्ट नंबर 53515 को यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट रेडियो बटन को रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ भी डोमेन और पब्लिक को अनचेक कर देते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इस बार भी सेम नाम देते हैं विथ UDP और फिनिश बटन पे क्लिक करके अपने कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं और इसे हम बंद कर देते हैं। चलिए अब इस ऐप को डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर अब मोबाइल से डेटा को रिसीव करने के लिए तैयार है, तो हमें मोबाइल को अब कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। जिस तरह हमने ऑलकास्ट रिसीवर को यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ठीक उसी तरह एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में भी इंस्टॉल करना होता है। तो चलिए हम अपने मोबाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दोस्तों मैं अब अपने मोबाइल स्क्रीन पे हूँ। चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं मिरर बीटा। यहाँ हम देख सकते हैं एक सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड मिरर जो कि फर्स्ट में डिस्प्ले हो रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे ओपन करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ एक लिंक chrome@192.168.1.4 डिस्प्ले हो रहा है, तो ये हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस है, इस पर हमें क्लिक करना है। ये अपग्रेड करने के लिए कह रहा है तो हम इस नो थैंक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं लेफ्ट में कैंसिल है और राइट में स्टार्ट नाउ है। अब हम जैसे ही स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल का स्क्रीन हमारे कंप्यूटर पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो हम चलिए हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, इसे मिनिमाइज कर दें।
दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस सॉफ्टवेयर को हम किसी स्पाई कैम या गुड कैमरे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि हम किसी टूर पे हैं और किसी स्थान को अपने फैमिली मेंबर को दिखाना चाहते हैं तो भी हम दिखा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने कैमरा को ऑन करना होता है, और जो भी चीज़ें कैमरे में आ रही हैं तो ये हमारे लैपटॉप पे या हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे ब्रॉडकास्ट होता रहेगा। इसकी खासियत ये है कि हम इसे USB नहीं, डायरेक्टली इंटरनेट से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।